गोपी सिंह बघेल जी, सॉरी धनगढ़ जी, और इस राजपूत महासभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री चंदेल साहब जी और अखिलेश बघेल जी, शासनीगढ़ से चल के आए राजकुमार बघेल जी, हेतराम जी, शिवदत्त जी बघेल जी, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में मौजूद श्री सूरजवान धनगढ़ जी, और मेरे सभी सम्मानित साथियों। किस तरह का पार्टी कार्यक्रम ये मूवमेंट हमारा जो है आज जो है हमारा जो है अहिल्याबाई होलकर मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से माननीय हमारे भूपेश बघेल जी का समाज की तरफ से स्वागत किया गया है, और हम इस हमें भारतीय जनता पार्टी ने आज हमारी समाज को इतना बड़ा सम्मान दिया है कि आज हमारा समाज पूरा जो है पूरे जनपद का जो है हर्षोल्लास के साथ खुशी मना रहा है, और हमें ऐसी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें सम्मान दिया है हमारी समाज को, हमारा समाज पूर्ण तरीके से उनके उनकी पार्टी के लिए खड़ा उतरेगा, और हम पूरा समाज भी हमारा उनके साथ रहेगा। हमारा धनगढ़ मूवमेंट भी चल रहा है, उसके लिए भी पार्टी ने हमें आश्वासन दिया है, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि वो हमारी पार्टी हमारा साथ देगी और हमें आरक्षण में भी लाभ देगी और अन्य विभिन्न पदों पर भी हमें जो है अपने साथ लेकर के और हमारे समाज का उत्थान करेगी। इसी मेरा नाम है रवि बाबू बघेल। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला उपाध्यक्ष का जो दायित्व दिया है उसका मैं पूरी निष्ठा के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करूंगा। समाज के हित में क्या क्या कार्य करेंगे? समाज के हित में जो हमारा एक तो धनगर मुद्दा जो चल रहा है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार में है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो धनगर के हमारे प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं शासनादेश और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी, तो जो अधिकारी इसमें आनाकानी कर रहे हैं सर्टिफिकेट बनाने में, उनसे सर्टिफिकेट बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। कैसा लग रहा है आपको जिला उपाध्यक्ष पद दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो दायित्व सौंपा है मैंने पूरी निष्ठा के साथ, आपसे पूर्व में भी काम किया था, उसके बाद आज उपाध्यक्ष बनने के बावजूद भी मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस पद के काबिल समझा। मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। क्या मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य किस तरह से पूरा करेंगे? माननीय मोदी जी हमारे देश की शान है, माननीय मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाकर पार्टी के कार्य करेंगे। जो गरीब तबके की योजनाएं हैं, जो योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ यहाँ पर? आज मेरे धनगढ़ समाज के लोगों ने मुझे उपाध्यक्ष बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बनने के बाद मेरे समाज के लोगों ने यहाँ स्वागत किया है। मैं अपने समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और समाज की ओर से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त करता हूँ कि मेरा धनगढ़ समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में वोट देकर के भारी बहुमत से विजयी बनाकर फिर से माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।